हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं टीएस पीजीई सीईटी 2020 आंसर की के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, टीएस पीजीई सीईटी 2020 का जो आंसर की है वो रिलीज हो चुका है। तो आज हम इस स्टूडियो में देखेंगे किस तरह से आप अपना टीएस पीजीई सीईटी 2020 का आंसर की जो उसे चेक कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पीडीएफ फॉर्मेट में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर टीएसपीजी आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं टीएसपीजीसीईटी 2020 आंसर की डाउनलोड करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते ही वहाँ पे सर्च करना है TSPGECET 2020 आंसर की, और उसके आगे लिखना होगा CTET.co.in। अब गाइस, आप लोगों का CTET.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली एक क्लिक से अपना आंसर की का PDF आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको सिंपली इसे गूगल में सर्च कर लेना होगा। जैसे आप इसे गूगल में सर्च करते गए तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर देना होगा। अब जैसे ही गाइस आप उसे क्लिक करके उसे ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने, जहां पे आप देख सकते हैं आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा TSPGECET 2020 आंसर की रिलीज, यानी कि आंसर की जो रिलीज हो चुका है आप यहां पे देख सकते हैं। उसी के साथ नीचे स्क्रॉल करने पे आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की हैज बीन रिलीज ऑन 20th September, यानी कि आज के दिन रिलीज हो, और हम आपको आज के दिन जो अपडेट कर दे रहे वीडियो के माध्यम से। अब सवाल ये होता है किस तरह से आप जो TSPGECET का क्वेश्चन पेपर और आंसर की जो डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिया, आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना है। आप चाहे तो डायरेक्टली गूगल से सर्च करके भी आ सकते हैं जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया, और यहाँ पे आने का तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो नोटिफिकेशन कॉलम दिखा दे रहा है ये ब्लू कलर का, यहाँ तक यहाँ पे आते आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर की क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्स हैज बीन रिलीज, क्लिक है टू चेक आंसर पी एंड क्वेश्चन पेपर। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस लिंक पे क्लिक कर देना होगा। इस लिंक पे क्लिक करते आप लोगों के सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं गाइस आप लोगों को, अगर आप लोगों को इसका जो है रिस्पॉन्स शीट चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे एक और लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, यहाँ से आप इसका जो है रिस्पॉन्स शीट चेकआउट कर सकते हैं, ये भी ओपन कर देते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पेपर और आंसर की। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट का देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर और आंसर की देख लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो उस रिस्पॉन्स शीट के लिंक पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो गया है, जहाँ पे मुझसे मेरा PGECET का हॉल टिकट नंबर मांगा जा रहा है, वो बनने के बाद मुझसे मेरा रजिस्ट्रेशन का जो नंबर था रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, और ये दो चीज बनने के बाद सिंपली गेट रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक करना होगा, मेरी रिस्पॉन्स शीट मुझे जो है मिल जाएगी, मेरे स्क्रीन पे आ जाएगी। उसी तरह से गाइस, जैसे क्वेश्चन पेपर और आंसर की के लिंक पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने इस टाइप का न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का ये कॉलम दे दिया गया पूरा, उसी तरह से ये वाला जो कॉलम है इस राइट हैंड साइड में वो जो है प्रीलिमिनरी आंसर की का कॉलम है। लाइक अगर मुझे एरोस्पेस का क्वेश्चन पेपर आंसर की चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करके एरोस्पेस का क्वेश्चन पेपर ओपन कर दूंगा, और उसी तरह से यहाँ पे क्लिक करके जो एरोस्पेस का मैं आंसर की भी ओपन कर लूंगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे सामने एरोस्पेस का जो क्वेश्चन पेपर है उसका PDF ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोस्पेस का जो क्वेश्चन पेपर था वो मेरे सामने ओपन हो चुका है। लगा यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे बता दिया मुझे, साथ ही साथ यहाँ पे जो सही आंसर है वो भी बता दिया चारों में से, सेकंड क्वेश्चन था साथ ही साथ क्वेश्चन आईडी भी यहाँ पे दे दी गई, जो चारों जो ऑप्शन थे उसमें से सही ऑप्शन यहाँ पे बता दिया है। उसी तरह से गाइस यहाँ पे आंसर की भी पूरी तरह से अलग से दिया, लगा आप देख सकते हैं एरोस्पेस का जो आंसर की यहाँ पे दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन का ये। तो गाइस, उसी तरह से आप आसानी से किसी भी जो है कोर्स का यहाँ से क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को TSPGECET 2020 का क्वेश्चन पेपर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जो है चेक करके डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई भी इशू फेस होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।